हाय गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपना फर्स्ट डे पूरा वर्किंग एक्सपीरियंस शेयर किया था डिटेल में, और कहा था कि आपके डीवी के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं कैसा क्या है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। सो हियर इट इज़। एंड लास्ट वीडियो में ना मैंने अपनी ट्रेनिंग के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया था, तो मुझे उसमें ट्रेनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे। तो ऐसा है कि मैंने बताया था कि मेरी डायरेक्ट मतलब मुझे ब्रांच अलॉट हो गई थी ज्वाइनिंग के बाद, और लोगों का वही था कि मैम आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई, ट्रेनिंग नहीं हुई। तो देखो, हर स्टेट में ऐसा नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग के बाद इंस्टेंट आपकी ट्रेनिंग होगी। हम लोग की ट्रेनिंग जो हुई थी वो जुलाई एंड में हमको ईमेल आया था कि हमारी ट्रेनिंग है, और 31 जुलाई से हमारी ट्रेनिंग हुई थी। आफ्टर 3.5 मंथ्स अप्रॉक्स हम लोग 17 अप्रैल को ज्वाइन कर लिए थे, और हमारी जो ट्रेनिंग थी वो अगस्त में बेसिकली स्टार्ट हुई थी 31 जुलाई से। ऐसा है कि हर बार ऐसा नहीं होता कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्टिंग में हो उसके बाद ही ब्रांच मिलेगी आपको। हाँ, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो था वो उड़ीसा में पहले ट्रेनिंग कराए थे वो लोगों ने, उनको डायरेक्ट ट्रेनिंग का ईमेल आया था और बाद में जाके उनकी ज्वाइनिंग ब्रांच उनको मिला था। तो देखो, हर स्टेट का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। आपको पता कैसे चलेगा कि क्या कैसे होता है? देखो, सबसे पहले तो आपका सिलेक्शन हुआ, आपका रिजल्ट आ गया, अब आपको एक मेल आएगा डीवी के लिए। जब आप डीवी में जाओगे और सारी आपका डीवी का प्रोसेस स्मूथली हो जाएगा, आपका पूरा मेडिकल अच्छे से स्मूथली हो जाएगा, उसके बाद आपकी वापस आपको एक ईमेल आएगा, और उस ईमेल में आपको लिखा होगा कि आपकी जॉब कंफर्मेशन हो गई है। जब तक अभी आपका सिर्फ सिलेक्शन हुआ है, राइट? अभी आप सिलेक्ट हुए हो उस पोस्ट के लिए, लेकिन आपकी जॉब कंफर्म नहीं हुई है क्योंकि अभी आपका डीवी नहीं हुआ है। आपने जो जो फॉर्म फिल किया है, तो जैसी आपने चीजें उसमें बोली है, आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स वहां प्रेजेंट करने पड़ेंगे कि भाई सब चीज ऑथेंटिक है, मैं इस कैटेगरी से हूं, इस कास्ट से हूं, आपको हर चीज वहां दिखानी पड़ेगी। और जब आप पूरा ऑथेंटिकली मतलब आप पूरा वेरीफाई हो जाओगे, उसके बाद आपकी जॉइनिंग कंफर्म हो जाएगी कि भाई अब आप SBI में काम कर रहे हो, आप SBI के एम्प्लॉय हो। सारी चीजें, सारी कम्युनिकेशन आपको मेल के थ्रू होगी, मेल के थ्रू आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी आगे क्या कैसे होने वाला है। अगर आपको ट्रेनिंग होगी, वो लोग डायरेक्ट बोलेंगे आपको ट्रेनिंग के लिए आना है 15 डेज के लिए। अगर आपकी ज्वाइनिंग होगी तो वो लोग बोलेंगे कि सिर्फ आपको इस दिन रिपोर्ट करना है। कहां रिपोर्ट करना है, सब सारा एड्रेस आपके ईमेल में लिखा होगा। मुझे जो ईमेल आया था उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि डीवी के लिए क्या कैसा लगता है, और अपने एक्सपीरियंस के साथ। SBI JEE का मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन सारे बैंक एग्जाम्स में मोर और लेस सब कुछ सेम ही होता है, तो डॉक्यूमेंट्स आपके सेम ही लगने वाले हैं। आप अभी से रेडी करके रखो। जितने न्यू एस्पिरेंट्स भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं भी इस तरह के वीडियोस कई देखा करती थी कि आगे जाके क्या कैसा मेरा प्रोसेस होगा। तो जितने न्यू एस्पिरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो इस साल अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि ये मौका आपको भी मिलेगा और ये चीज आपको भी फील करनी है आगे। एक चीज मैं बोल रही हूँ कि अगर आप किसी भी कैटेगरी के कुछ भी हो, तो अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से अरेंज करना स्टार्ट कर दो, बाद में जाके दिक्कत होगी, बहुत भागदौड़ करोगे। और जनरली जो आपका डीवी का प्रोसेस होता है, वो आप एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करके जाते हो। हम लोग का स्टेट के कैपिटल रायपुर में हुआ था, सारी चीजें रायपुर में हुई थी, तो जो भी जिस भी कोने में थे लोग, दंतेवाड़ा से तक रायपुर जा रहे थे, तो बहुत ट्रैवल करके आपको जाना पड़ता है, और एक एक छोटी छोटी चीज के लिए आपको 10 बार मेहनत हो जाएगी। अभी एस्पिरेंट्स का 15 डेज के बाद RRBs का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, आपके एग्जाम का सिलसिला इस साल का चालू हो जाएगा। आई विश यू ऑल द लक, अच्छे से पढ़ो। ये जो लास्ट के दिन होते हैं बहुत क्रूशियल होते हैं, इस टाइम पे अपने आपको डीमोटिवेट नहीं, एक्स्ट्रा मोटिवेट करना है, एक्स्ट्रा पुश करना है। लास्ट के दिनों में जितना आप अपना बेस्ट निकाल लो, उतना ज्यादा आप वहां जाके प्रोडक्टिविटी के साथ अटेम्प्ट कर आते हो। जो भी टॉपिक में वीक हो, अभी भी टाइम है, वीक टॉपिक्स अच्छे से पढ़ो। स्मार्ट किला का टॉपिक टेस्ट उसके लिए काफी हेल्पफुल है। अगर आप वहां से टॉपिक अपने वीक टॉपिक्स को कवर करोगे, जाके प्रैक्टिस करोगे, आपके टॉपिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे, कोई वीक एरिया बचेगा नहीं, तो एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आपका कोई भी लूप होल नहीं रहेगा और एग्जाम जाके आप अच्छा ही देकर आओगे। इतना मेरे साइड से आपके लिए रिकमेंडेशन था कि अगर आप वीक एरिया में अभी भी फोकस करोगे 15 दिन, तो आपका एग्जाम आगे अच्छा जाएगा। जो आपको डीवी में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सबसे पहले आपका बर्थ डेट ही वो लोग वेरीफाई करेंगे, उसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है बेस्ट है, नहीं तो 10th का रिजल्ट चलेगा, या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, जो भी आप लास्ट स्कूल छोड़े हो उसमें आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है, आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाए, ऐसा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सेकेंड, पैन कार्ड मैंडेटरी है इनकम टैक्स के लिए, इन लोगों ने ब्रैकेट में मैंडेटरी लिखा भी हुआ है। थर्ड, आपका आधार है, आधार पैन कार्ड ये सारी चीजें तो बहुत एसेंशियल है, आपको ये सब ओरिजिनल में रखना है। फोटोकॉपी आपको एक्स्ट्रा साथ में रखनी है, बट ओरिजिनल में आपको ये चाहिए। इसके बाद आपके सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बेसिकली इसमें क्या क्या लगेगा, आपका 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, अगर आपका ईयर वाइज रिजल्ट है तो ईयर वाइज कॉलेज का, पीजी किया है तो उसका लगेगा, जहां तक आपने पढ़ाई की आपका क्वालिफिकेशन आपको दिखाना है पूरा और डिटेल में, और सेमेस्टर वाइज है तो वो आपके रिजल्ट लगेंगे। लास्ट में फाइनल रिजल्ट लगेगा और डिग्री भी लगेगा, जिनका ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है लास्ट ईयर या पहले हो चुका है एग्जाम, तो मतलब आपका कॉलेज क्लियर हो गया तो आपको डिग्री लगेगा। नहीं मिली है, यूनिवर्सिटी जाओ और लेकर आओ,
एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे तो लगा के लेकर आओ, क्योंकि मैं जाकर लेकर आई थी, मुझे साफ बोला था डिग्री चाहिए, और अगर मैं उस दिन नहीं देती तो कुछ दिनों बाद मुझे देना पड़ता, पर डिग्री तो मुझे सबमिट मतलब दिखाना ही पड़ता। मेरे को बहुत कॉमेंट आ रहे डिग्री को लेकर स्पेशली कि मैम डिग्री आई नहीं, आई नहीं। लोगों के 21 में भी ग्रेजुएशन हो गया और अभी तक डिग्री नहीं आया। तो जाइए आप जहां से भी कॉलेज के, कितना ही दूर क्यों ना हो, आप टाइम निकाल के जाओ और अपना डिग्री कलेक्ट कर लो वहां से, वो मैंडेटरी है। और सारी चीजें आपको ओरिजिनल उनको दिखानी है, ऑल द ओरिजिनल वापस कर देंगे वो, अपने पास फोटोकॉपीज रखेंगे उसका, लेकिन आपको चाहिए। एंड इसके अलावा जो इस साल ही जिनका रिजल्ट आया है और डिग्री नहीं आई होगी, तो फिर आपका आप उनको बताएंगे, ऑनलाइन रिजल्ट दिखाओगे कि आपका जो रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, राइट, तो वो सब दिखाओगे तो आपको थोड़ा एफिडेविट से काम चल जाएगा, कुछ दिनों बाद आप प्रेजेंट कर सकते हो। वो लोग चीजें में कोऑपरेटिव होते हैं, बट मैं अपने साइड से आपको बता रही हूँ, आप जितना अच्छे से क्लैरिटी के साथ चीजें अरेंज करके चलोगे ना, वन वो में आपकी चीजें स्मूथली हो जाएंगी, इतना भटकना नहीं पड़ेगा। और मैं भी जाके वन गो में मेरा सब सारा कुछ हो गया था। मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विसमैन रहे हो तो, और अगर आप किसी कैटेगरी से हो एससी एसटी ओबीसी तो वो आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ईडब्ल्यूएस से अगर आपने फॉर्म डाला है तो आपको इनकम एसेट सर्टिफिकेट भी लगेगा, तो ये सारी चीजें देख लेना। अगर आप हैंडीकैप या इधर किधर से फॉर्म भरे हैं, मतलब किसी भी दूसरे कैटेगरी से, तो उसका भी आपको अथॉरिटी का लगेगा कि भाई आपको ऐसा ऐसा है। और इसके अलावा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इनको चाहिए होता है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको दो गैजेटेड ऑफिसर्स का लगता है, और गैजेटेड ऑफिसर्स मतलब कि वो ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट की सर्विस में है, जैसे आपके आपके एरिया में अगर गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां का हेडमास्टर काम आ जाएगा। मैंने जो लिया था गवर्नमेंट वेट हॉस्पिटल था हमारे यहाँ, तो उनके वहां से मैंने लेकर आए थे सर से साइन करा के। और अगर आपके यहाँ दो गैजेटेड ऑफिसर आपको नहीं मिल रहे, तो एक गैजेटेड ऑफिसर का काम आ जाएगा, और एक आपकी अपने एरिया के बैंक में जाके वहां के मैनेजर से साइन ला सकते हो। अगर आपका SBI का बैंक, SBI हर जगह रहता है, तो आप SBI में ही जाना और वहां के मैनेजर से आप ले आना, मेंस वगैरह का अपना रिजल्ट ले जाना, आपको वो बिना किसी प्रूफ के ऐसे साइन करके नहीं देंगे, तो आपको थोड़ा अपने आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि सर मेरा नाम ये है, मैंने अभी अभी एग्जाम में सिलेक्शन लिया, आप प्लीज साइन करके दे दो, तो ये काम बन जाएगा। बिकॉज उनका जो गैजेटेड ऑफिसर होता है उनका अपना स्टैंप होता है, राइट, तो वो स्टैंप लगा के उसमें साइन करके देते हैं, तो वो चीज आपको वो करवानी है। और मैंने सेफ्टी के लिए तीन जगह से ले लिया था, एक मैनेजर का भी ले लिया था, दो गैजेटेड ऑफिसर का ले लिया था, कि अगर एक इन केस रिजेक्ट हो जाए तो मेरे पास एक्स्ट्रा रहे, तो इस तरह का अरेंजमेंट आप अपने साइड से कर सकते हो। लास्ट जो भी आपने अटेंड किया है स्कूल, या अगर आपने कॉलेज कहीं और से किया, आपके लास्ट अटेंडेड स्कूल, वहां से आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, और उसका वैलिडेशन देख लेना कि वो कितना पुराना है, मतलब एकदम ज्यादा पुराना काम नहीं आएगा, थोड़ा रिसेंट वाला होगा, एक आध साल के अंदर का, तो वो चीजें काम आ जाएंगी। और इसके अलावा आपको लगेंगी फोटोज, आपके इसमें लिखा है 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए रिसेंट वाले, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम जो फोटो आपने डाली थी, वो ही फोटो 7-8 पीस ले जाना बंच बना के, बिकॉज वही फोटो वो लोग बहुत स्मूथ होगा उनके लिए वो चीज को वेरीफाई करना। और सेकेंडली वो फोटो आपको 3 से ज्यादा ही लेके जाना, बिकॉज आपको फॉर्म्स में भी कई जगह लगानी पड़ती है। और इसमें लिखा है 4 कॉपीज ऑफ बायोडाटा फॉर्म, ये लास्ट चीज है कि 4 कॉपी आपको बायोडाटा फॉर्म की चाहिए। ये कौन सा बायोडाटा फॉर्म है, इसी ईमेल में आपको लास्ट में एक बायोडाटा फॉर्म अटैच मिलेगा, वो लोग खुद ही फॉर्म भेजेंगे, उस फॉर्म को आप प्रिंट आउट निकालो, और प्रिंट आउट करके वो फॉर्म आपने फिल किया अच्छे से, और उसके 4 कॉपी निकाल लिए, तो इस तरह से वो फॉर्म आपको भरना है। और सारी चीजें आपको ईमेल में क्लैरिटी के साथ लिखी रही मिलेंगी, तो इतना टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी ऊपर नीचे होता है वो लोग कोऑपरेटिव रहेंगे। ये फॉर्म को आप अच्छे से फिल कर लेना, और इसी की फोटोकॉपी करा के आपको लेके जानी है वहां पे, और इसके अलावा कुछ भी अगर उनको गलती लगी, कुछ लगे, तो वो लोग वहां पे आपको रेक्टिफाई करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। एक कॉमन डाउट जो बहुत ज्यादा आ रहा था पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर, तो पुलिस वेरिफिकेशन का क्या होता है, कैसे होता है, आपको थोड़ा बता देती हूँ। बेसिकली जिस दिन आप डीवी के लिए जाओगे, उसी दिन वो लोग आपको एक कुछ एक फॉर्म सा ही आप समझ लो एक आपको देंगे, उसको आपको फिल करना रहेगा। उसमें आपको 2 रेफरेंस का, आपको 2 फॉर्म मिलेगा, 2 रेफरेंस का आपको डिटेल्स डालना पड़ेगा। वो रेफरेंस का आपको नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें डालनी रहेंगी। वो रेफरेंस कौन होंगे, आपके नेबर्स हो सकते हैं, जान पहचान हो सकते हैं, आपके ब्लड रिलेशन में नहीं आना चाहिए, आपके कोई भी नेबर्स होंगे जिनको आपका ट्रैक रिकॉर्ड पता है कि भाई कैसा इंसान है, मेरा पड़ोस है, तो आपको ऐसे इंसान का नाम डालना है वहां पे। 2 रेफरेंस वो लोग मांगेंगे, और वो रेफरेंस को, वो फॉर्म आपने भर दिया और उनको दे दिया, बाकी काम उनका है, उनको करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। वो लोग क्या करेंगे उसके आगे, उसको पोस्ट के थ्रू आपके रेफरेंस के एड्रेस में उसे सेंड करेंगे। आपका रेफरेंस जो भी होगा वो आप उसको साइन करके वापस से, मतलब वो चीजें वेरीफाई करके साइन करके वापस से भेजेगा, आपके जो भी एड्रेस आएगा उसमें वापस उसको रीसेंड करना रहेगा। मेरा एक रेफरेंस का तो वापस जा चुका था, एक रेफरेंस के साइड से वापस शायद नहीं जा रहा था, तो मुझे कॉल भी आया था कुछ दिनों में कि प्रेरणा आपका एक रेफरेंस का हमको वापस नहीं आ पा रहा है, आप
पता करो कि वो लोगों ने अभी तक सेंड क्यों नहीं किया, क्या है, और इस तरह से दोनों रेफरेंस आपके मतलब होने चाहिए भाई, जो आपका हेल्प करे और वो सही से वो चीजें लिख के आप आगे रीसेंड कर दे, राइट। जितना मुझे पता है इतना ही प्रोसेस होता है। इसके अलावा उनको अगर कोई पुलिस वेरिफिकेशन कराना हो तो वो अपने हिसाब से वो लोग करेंगे आपके एरिया में, जो भी, आपका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बस आप ये मेक श्योर करो कि आपके साइड से चीजें क्लियर हो, आगे का प्रोसेस उनका है, जो भी चीजें आएंगी अपने आप होती जाएंगी। और मेडिकल के लिए भी आप लोग के डाउट्स आ रहे थे, मेडिकल के लिए एक वीडियो और बना दूंगी, ये वीडियो बहुत लेंदी हो रही है। मेडिकल का भी सारा सब कुछ इसी ईमेल में लिखा मिलेगा आपको, क्या कैसे कराना है और जो भी डिटेल्स हो। एक लास्ट चीज मैं ऐड करूंगी, मेरा जो था 5 अप्रैल को डीवी का डेट इन लोगों ने दिया था, डीवी में बुलाया था, और 5 अप्रैल को ही मेरा SBI PO का इंटरव्यू स्केड्यूल था भोपाल में, और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, 12 घंटे लग जाते आने जाने में, तो 5 अप्रैल को मेरा पॉसिबल ही नहीं था कि मैं डीवी के लिए पहुंच पाऊँ, राइट। वो भी सुबह से आपको रिपोर्ट करना रहता है डीवी के लिए, तो मैंने ईमेल में रिवर्ट किया था कि सर 5 को मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे प्लीज आप आगे का डेट दे दीजिए। और वहां से ईमेल में मुझे रिप्लाई आया था कि आप 6 तारीख को आके डीवी करा लो, तो मैं 5 की जगह 6 को जाके अपने डीवी कराई थी। बहुत से एस्पिरेंट्स थे जिनका 6 को मतलब 2 दिन डीवी चल रहा था, तो मुझे नेक्स्ट डे मिल गया था, और मेरे साथ कई लोग भी थे जिनका SBI PO में इंटरव्यू था, वो लोग भी डीवी के लिए 6 को ही आए थे मेरे साथ। तो अगर आपको किस तरह भी इस तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप उसी ईमेल में रिवर्ट कीजिए, आपको वहां से सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि मेरे पास इस तरह के भी कई कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैम मेरा ये अगर ये होगा वो होगा, मतलब कुछ भी दिक्कत अगर आपकी आती है, कोई ऑलरेडी वर्किंग है तो वहां से अगर आपको लीव मिल रहा नहीं मिल रहा, जो भी प्रॉब्लम है आप उस ईमेल में रिवर्ट कीजिए, आपको आगे से सोल्यूशन जरूर मिलेगा। एंड इतना ही मुझे पता है जितना मेरा एक्सपीरियंस था, अगर मेरे को वहां से रिवर्ट नहीं आता तो मैं वहां ब्रांच जाती, मतलब जो भी वो लोगों ने एड्रेस दिया था मेल में, और वहां जाके कंसल्ट करती कि सर आप प्लीज आगे बढ़ा दो या ऐसा कुछ। तो इस तरह का एफर्ट आप ले सकते हो आपका कोई भी दिक्कत हो तो, और आगे चीजें स्मूथली हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे से गलती के लिए आपको जॉब से निकाल दें, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। कोई डाउट हो तो प्लीज कॉमेंट बिलो, चैनल सब्सक्राइब करके जाना एंड तक आए हो तो, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक टेलीग्राम का डाल दूंगी नीचे। विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।